हाय दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए सोनी का होम थिएटर लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो इसका जो चैनल है 5.1 है और 600 वॉट का जो है ये स्पीकर है। इसमें आपको जो दो रियर स्पीकर होते हैं वो वायरलेसली काम करते हैं, उसके साथ एक एम्पलीफायर मिलता है। अभी मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, तो उसके बाद आपको पता लगता है कि क्या क्या है इसमें। तो मैं ये आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ क्या क्या मिला है इसमें। वैसे पहले ही मैं इसको एक बार अनबॉक्स करके ना चला के देख चेक कर सकता हूँ, इसकी साउंड जो है बहुत अच्छे है। तो आइए, ये जो है आपका, मैं ये दो पावर कोर्ड केबल मिली है, ये दो पावर कोर्ड केबल मिली है। अभी दिखाएंगे इसका भी काम क्या होता है। ये भी एक छुटपुट सा रिमोट, एक HDMI केबल और बाकी आपका इसमें जो है ये साउंड बार है इसका, ये साउंड बार, ये एम्पलीफायर जिससे आपके दोनों स्पीकर जो रियर स्पीकर है वायरलेसली कनेक्ट होंगे। मैं आगे भी बताऊंगा इसके बारे में। अभी ये पीछे का राइट स्पीकर, रियर का राइट स्पीकर, ये रियर का लेफ्ट स्पीकर और ये जो हमारा बेस, जिसमें से बेस निकलती है। बाकी मैं ये सब सारा सामान हटा के आपको एक साथ करके दिखा दूँ। तो ये हमारा जो है होम थिएटर खुल चुका है। अब मैं इसके डिटेल और बजा के भी दिखाता हूँ आपको आगे। ये जो हमारा ये सबवूफर, ये हमारा साउंड बार, इसके तीन स्पीकर है, ये रियर स्पीकर है जो वायरलेस है, ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है। और ये जो है हमारा एम्पलीफायर है इस दोनों स्पीकर के लिए, यही उन दोनों स्पीकर को वायरलेसली चलाते हैं। इसको भी अलग से पावर चाहिए होती है और इसको भी अलग से पावर चाहिए होती है, ठीक है। तो आओ मैं इसके पोर्ट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, पोर्ट क्या है कैसे है, मैं दिखाता हूँ। आगे आओ, ये जो है हमारा, इसमें आपको सिंपल ही दे रखा है, जो जैसे कलर जैसे पोर्ट्स है वैसे कलर भी दे रखे हैं आपको, रेड ग्रीन और व्हाइट। और आपका इसमें जो है ये साउंड बार कनेक्ट होगा, ये वाला साउंड बार जो इसमें कनेक्ट होगा, इसमें भी आपको तीनों केबल की देखो पॉइंट्स जो है रेड ग्रीन और व्हाइट कलर के दिए हैं। और डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आपको, इसमें लगा के पुश कर दो उसको, बस क्लिक की आवाज आएगी और कनेक्ट हो गया वो। ये हो गया हमारा साउंड बार कनेक्ट। और एक इसमें आपको दो आपको ये पावर केबल दी हुई है, पावर केबल जो है इसकी ये जो कि लगेगी यहां पे, ठीक है, ये लग गई। अब रहा ये कैसे चलाएंगे, आप कहीं पे भी रख सकते हो, 10-15 मीटर की दूरी पे आपने दो स्पीकर, इससे कितनी दूरी में रखोगे वो रख सकते हो। इसमें भी यही सेम पोर्ट्स है, एक ब्लू और एक ग्रे, ग्रे जो है राइट है, ब्लू जो है लेफ्ट है। तो इसके स्पीकर पीछे लिखा हुआ है देखो, एस यू सराउंड आर, तो ये राइट स्पीकर हो गया आपका। और वैसे पोर्ट्स भी कलर तो इसमें दे रखे हैं, तो आप राइट लेफ्ट देखो नहीं, आप कलर टू कलर कनेक्ट कर दो इसको। एक ये हो गया कनेक्ट और दूसरा ये वाला ब्लू कलर इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके साथ एक और पावर कोर्ड मिली है, ये है जो आपके, ये मैंने इसमें पावर कोर्ड लगाया। अब मैं चला के दिखाता हूं आपको इसको, पहले ये मैंने इसमें पावर दी और ये ऑन हो गया, इधर आओ, ये ऑन हो गया, ग्रीन लाइट हो गई इसमें। अब ये नीचे वाला चला नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा, क्योंकि जब तक इसको सोर्स नहीं मिलेगा कनेक्ट किसने और किस पे होना, रेड हो जाएगा, वो ब्लिंक होता रहेगा। अब जैसे ही मैं नीचे सब मेन सब ऊपर चलाऊंगा उसका जो है ये बंद हो जाएगा, ब्लिंक जो है होगा ये बंद हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले आ गई इसमें, छोटी सी डिस्प्ले मिलेगी आपको, ये डिस्प्ले आ गई। बाकी मैं इसको अभी अपने फोन को इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने ऑन करा, प्लीज वेट।
इस पे इनपुट करूंगा तो मैं मेरे को ब्लूटूथ पे जाना है। बीटी आ गया ब्लूटूथ, अभी लाइट ब्लिंक होने लग गई है पेयरिंग के लिए। मैं ये पेयर करूंगा अपना ब्लूटूथ, स्कैन पे गया, ये आ गया ST S40R, ये हो गया कनेक्ट। अभी ये गाना चल रहा है, वॉल्यूम जो है 50% है, मेरा फोन में कर रहा हूं। मेरे कान में पूरी लहर फड़ दे, बंदे जिगरे आले आ साडे नाल खड़ते नहीं, दिन डरदे ही होजे शुरू दिन बल्ली, किन्ने तक ने पिंडे ते ना तो गिन बल्ली, होया बैल पुणा करदे हूं चिर बल्ली, मिंट लगदा नहीं खोलदा ये सिर बल्ली, नहीं सिर पंजे बतेरे भुक दे यार, गले शीशे कराए पे लोग जा।